बिग बैंग में अपने जन्म के बाद ब्रह्मांड में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कुछ हीलियम परमाणु शामिल थे। ये आवर्त सारणी में सबसे हल्के तत्व हैं। हीलियम से भारी लगभग सभी तत्वों का निर्माण बिग बैंग से लेकर आज तक के 13.8 अरब वर्षों के दौरान हुआ। किसी भी भारी एलिमेंट्स के निर्माण से ऊर्जा निकलने के बजाय उसका कंज्यूम होता है। तारों ने न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस के माध्यम से कई भारी एलिमेंट्स का प्रोड्यूस किया है। गामा रे बर्स्ट GRB ब्रह्मांड में विस्फोट का सबसे शक्तिशाली वर्ग। ये हमारे सूर्य की चमक से 1 क्विंटिलियन 10^18 गुना अधिक चमक के साथ फट सकते हैं और माना जाता है कि ये कई प्रकार की घटनाओं के कारण होते हैं। GRB को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, लॉन्ग बर्स्ट्स और शॉर्ट बर्स्ट्स। लॉन्ग GRBs विशाल और तेजी से घूमने वाले तारों की मृत्यु से जुड़े हैं। फास्ट रोटेशन बीम्स किसी विशाल तारे के पतन के दौरान निकलने वाले मटेरियल को नैरो जेट्स में बदल देती हैं, जो अत्यंत तीव्र गति से चलते हैं। शॉर्ट बर्स्ट्स केवल कुछ सेकंड तक चलते हैं। माना जाता है कि ये दो न्यूट्रॉन तारों कॉम्पैक्ट एंड डेंस डेड स्टार्स की टक्कर के कारण होते हैं। हाल ही में किए गए एक स्टडी में विशेष रूप से एक लंबी गामा किरण विस्फोट GRB 2121009 की जांच की गई। इसे बोट नाम दिया गया है, जो अब तक का सबसे चमकीला है। इस GRB को 9 अक्टूबर 2022 को सौर मंडल में इंटेंस रेडिएशन की लहर के रूप में देखा गया था। यह GRB पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 10 गुना अधिक ऊर्जावान था और हमारे इतने करीब था कि पृथ्वी के वायुमंडल पर इसका प्रभाव जमीन पर मापने योग्य था।